तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी मजे मस्त में एकदम मौज में होंगे। तो वेलकम बैक, मैं आ चुका हूँ फाइनली वापस वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप कौन सा सिम कार्ड आपको लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा सिम कार्ड परफेक्ट रहेगा। तो बिना टाइम गए चलिए शुरू करते हैं, बैठो गाड़ी में। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कन्फ्यूजन बहुत सारे जो है वो आज मैं दूर कर देना चाहता हूँ। अगर आपका और भी कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन सिम कार्ड से रिलेटेड रहता है तो आप नीचे कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि आपको सिम कार्ड कौन सा लेना चाहिए। तो सिम कार्ड उसमें कुछ ब्रांड नहीं होना चाहिए। आपको जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में नेटवर्क अच्छा आता है या नहीं आता है वो आपको डिपेंड करता है कि आपके एरिया में किस कंपनी का नेटवर्क अच्छा आता है, उसके हिसाब से आपको एक परफेक्टली सिम चूज़ करना चाहिए। इसमें कि मतलब उस प्लान में सस्ता दे रहा है तो अगर सस्ता लेके उस पर करेगा क्या भाई? अगर आपके एरिया में चलोगे नहीं तो क्या करोगे? अगर सिम कार्ड नहीं चलेगा मतलब उसका नेटवर्क नहीं आएगा, नेट स्लो चलेगा तो इसको क्या करोगे? तो उसकी तरफ से आपको परफेक्टली चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको एकदम परफेक्टली चूज़ इसलिए करना है कि क्योंकि उसमें नेटवर्क आना चाहिए, ज़रूरी चाहिए। इसके लिए आपको परफेक्टली सिम कार्ड इस तरह चूज़ करना है कि आप जिस कंपनी का सिम कार्ड चूज़ कर रहे हैं उस नेटवर्क मतलब उस सिम कार्ड का नेटवर्क आपके एरिया में परफेक्टली आना चाहिए। अगर आप कहीं ट्रेवलिंग करते हैं या आते जाते हैं रोज़ घर से ऑफिस से जब, तो वहाँ पे आपको देखना है कि अगर ऑफिस में आता है तो उस कंपनी का अगर रूम पर आता है या फिर ऑफिस में आता है या फिर घर पर आता है। अगर आप रेगुलर ट्रेवलिंग करते हैं या फिर आप रेगुलर एक ही जगह पर रहते हैं तो आप चूज़ कीजिए कि आपके एरिया में कौन से अच्छे नेटवर्क आते हैं। तो उसके हिसाब से आप एक अच्छे सिम कार्ड को चूज़ कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा सिम कार्ड बेस्ट रहेगा। तो यही सारे डाउट हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों कि आपके कौन से आपको कौन सा सिम कार्ड परचेस करना चाहिए। अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किसी कंपनी का सिम कार्ड सस्ते हैं तो उसमें सस्ता वाला सिम कार्ड परचेस करना चाहिए या फिर सस्ते वाले फ़ोन का रिचार्ज लेना चाहिए, मतलब सस्ते सिम कार्ड का रिचार्ज लेना चाहिए। आपके एरिया में जिस कंपनी का नेटवर्क सही अच्छा रहता हो उस सिम कार्ड को आपको यूज़ करना बेहतर रहेगा, क्योंकि आप कितना भी चाहे सस्ता हो या महंगा हो लेकिन अगर आपको उसमें पैसे लगाने के बाद अगर आपका नेट नहीं चलेगा या कॉलिंग बराबर नहीं आएगी क्वालिटी कॉल क्वालिटी तो आप उसे डिपेंडली उसे डिसलाइक देंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चूज़ करना है कि आप जिस कंपनी का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं फ़ोन में या यूज करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले एरिया के नेटवर्क या कनेक्टिविटी पे ध्यान देना होगा, तभी आप अपने लिए एक परफेक्ट सिम कार्ड चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ये कन्फ्यूजन है कि आपको 2G या 4G या फिर 3G, तो यहाँ पे 2G 4G का भी सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि भाई अगर आपके एरिया में नेटवर्क नहीं आएगा तब 2G 4G का करेगा क्या? नाम के लिए सिर्फ 4G रहेगा तो क्या करेगा? सोचते हैं कि 4G फ़ोन है या फिर 5G फ़ोन है तो हमारे एरिया में नेटवर्क अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके फ़ोन के मतलब आपके एरिया का नेटवर्क स्लो है तो आपका 4G 5G किसी काम का नहीं है, सिर्फ एक कचरे के समान है। तो उम्मीद है आज का ये आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर आपका भी और भी कोई सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स खुला है। चलते मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।